तहरीके अदम-ए-एतमाद आ रही है, क्या इमरान खान की गवर्नमेंट को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सियासतदानों ने तो बड़ी बातें की हैं, आइए आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इमरान खान को कंटिन्यू रहना चाहिए या इसको घर वापस जाना चाहिए। इमरान खान की गवर्नमेंट को 3.5 साल हो गए हैं, क्या इस गवर्नमेंट से मुतमईन है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए या इसको वापस घर जाना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आटा देखें, चीनी देखें, 400 रुपये किलो तेल हो गया, 400 रुपये किलो घी हो गया, इतनी महंगाई हो गई, प्याज आलू के भाव कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा 150 रुपये लीटर पेट्रोल, दूध 150 रुपये, आवाम भूखी आवाम कहाँ जाएगी, गरीब आवाम कहाँ जाएगी, भूख के मारे ही मर जाएगी। अब ये देखें कि इसको देख लें, बाइक को मेरी 11 साल हो गए इस बाइक को मैं चला रहा हूँ, कचाड़ा हालत हो रही है, देखें सब कुछ हिल्ला उल्ला है, मगर क्या करें, गरीब आवाम है यार, जब इतनी महंगाई करेंगे बाइक बंदा दूसरी कैसे लेगा। तो आप क्या समझते हैं कि पहले वाली जो हुकूमत है पुराना पाकिस्तान वो ज़्यादा बेहतर है, नए पाकिस्तान बेहतर है? वो आना चाहिए, लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि सब डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जो भी है, मगर सस्ताई तो है ना भाई, सस्ताई थी उस दौर में। अब देखो दूध देख लो 150 रुपये, पहले 90 रुपये 100 रुपये लीटर था दूध। चाहिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट रहनी चाहिए, इसको ख़त्म हो जानी चाहिए? हर काम को वक्त लगता है, मेरे ख्याल से इसको वक्त देना चाहिए और सब चीज़ें एकदम तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये कि यहाँ पे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक कोई भी सिंसियरिटी नज़र नहीं आ रही, और आवाम के साथ अगर सिंसियर होंगे तो आवाम उसके साथ खड़ी हो। तो जिस तरह महंगाई है, जिस तरीके से हालात नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर तरह के लोग हैं, लेकिन इमरान खान को एक मौका देना चाहिए। और इमरान खान के गवर्नमेंट से मुतमईन है या इसको घर जाना चाहिए? घर जाना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमें कितनी सहूलतें थी, बिल्कुल महंगाई नहीं थी, सहूलतें थी नहीं थी लेकिन महंगाई तो नहीं थी ना, कम से कम सुकून से खा तो सकते थे, लेकिन अब क्या है, जो कमा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है बैठ के। इससे मुतमईन है इमरान खान की गवर्नमेंट से या कोई नया चेहरा आना चाहिए दोबारा? नहीं नहीं हम मुतमईन है बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत से, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको आगे भी आना चाहिए। और महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, और महंगाई से जब पूरी दुनिया में होगी तो हमारे यहाँ तो कम है, कोई मुश्किल नहीं है, इंडिया में 200 है, भारत में 250 है पेट्रोल, तो यहाँ 150 है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है कि नई हुकूमत जो आएगी तो वो कोई अपना नया रंग लेकर आएगी, ये है कि इमरान खान जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, सही है, दिलेर आदमी है, और ऐसे ही आदमी आना चाहिए अगर कोई दूसरा भी आए तो। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को रहना चाहिए या कोई नया वज़ीर आज़म बनना चाहिए? जाना चाहिए इसको, नया वज़ीर आज़म बनना चाहिए, जो पहले यहाँ 160 का पेट्रोल होते 70 का लेते थे, अभी 150 हो गया, बहुत महंगा भी हो कराची में, इसको घर वापस जाना चाहिए।